गुरुमुखों, संत सद्गुरु हमेशा ही अपने प्रेमियों के अंग संग रहते हैं और समय आने पर उनकी श्रद्धा और विश्वास के अनुसार उनकी सहायता करते हैं। यद्यपि देखने में वे साधारण पुरुष दिखाई देते हैं, जिससे कि लोग उन पर विश्वास नहीं कर पाते तथा गलती कर बैठते हैं, परंतु वास्तव में वे ब्रह्मा स्वरूप होते हैं। चाहे कोई वर्षों के वर्ष पड़े, उच्च श्रेणियां भी प्राप्त कर ले, परंतु जो आंतरिक ज्ञान का खजाना अमूल्य लालों से परिपूर्ण है, वह केवल गुरु कृपा से ही मिलता है। भक्ति रूपी खुले मैदान या उपवन की सुगंधि और शीतल पवन लेने के इच्छुक तो हजारों होते हैं, परंतु उस मैदान तक पहुँचने के लिए जो टेढ़ी लंबी और सांकरी गली है, उसे अंत तक पार करने वाले थोड़े ही बचते हैं। कई थोड़ा भाग पार करते हैं तो कई चतुर्थ भाग और कई आधे पर ही अपनी शक्ति हार जाते हैं। प्रभु तुम्हारी अभिलाषा सदैव ही पूर्ण करते हैं, फिर भी यदि कोई अभिलाषा पूर्ण न हो तो मन को विचलित नहीं होने देना चाहिए, बल्कि उसे समझाना चाहिए कि प्रभु की मौज में प्रसन्न रहने में ही भलाई है। जिसको प्रभु की प्रसन्नता प्रत्यक्ष अनुभव होती है, उसको सांसारिक दुख या मान अपमान स्पर्श नहीं कर सकते। यदि तुम लापरवाह हुए तो तुम्हारे आंतरिक शत्रु, जो सदैव सतर्क है, तुम्हारी बुरी दशा कर देंगे। इसलिए तुम लापरवाही बिल्कुल न करो, सदैव सतर्क रहो और अंतिम दम तक सचेत रहो। जैसे कुमार गड़े के भीतर हाथ रखता है और बाहर से चोट भी लगाता है, क्योंकि हाथ देने से बचाव होता है और चोट लगने से सदृढ़ बनता है, इसी प्रकार प्रभु भी अपने प्रेमियों से दोनों प्रकार का व्यवहार करते हैं। प्रेम से भक्ति में वृद्धि होती है और ताड़ना से अहंकार से बचाव होता है। कई ऐसे कलाकार होते हैं जो लकड़ियों को छील कर सुंदर सुंदर वस्तुएं बनाते हैं। कई तो ऐसे भी कलाकार होते हैं जो लोहे को गलाकर अनेक प्रकार के मशीनों के पार्ट या पुर्जे आदि बनाते हैं। कई तो प्लास्टिक से अनेकों प्रकार के खिलौने आदि बनाते हैं। परंतु एक पूर्ण संत सद्गुरु ही ऐसे होते हैं जो मन को संवार कर तथा निर्मल बनाकर मालिक के बैठने योग्य बनाते हैं। महापुरुष हर क्षण हर पल परमार्थ पथ की ओर उत्तरोत्तर बढ़ते हुए अनवरत जीव पर कल्याण करते ही रहते हैं। जिस पर उनकी कृपा दृष्टि पड़ जाए, अनायास ही उनका उद्धार कर देते हैं। ऐसे ही अहमदनगर में श्री मंदिर का मुहूर्त करने के पश्चात हमारे हृदय सम्राट सद्गुरुदाता दीनदयाल जी, श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी कार द्वारा श्री प्रयाग धाम की ओर कृपा फरमा रहे थे। शाम का समय था, तब हमारे सद्गुरुदेव महाराज जी ने एक सड़क के किनारे कार रुकवाने की आज्ञा फरमाई। सड़क के किनारे एक खेत था, खेत में ही 10 मिनट तक भ्रमण करते रहे और उसी खेत के किनारे पर एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा था। उस बुजुर्ग व्यक्ति पर हमारे सद्गुरुदेव महाराज जी की दृष्टि पड़ी, उसकी ओर निहारते हुए वापस कार में विराजमान हो गए। कुछ समय आगे जाने पर फिर से कार रुकवाई और स्वयं नीचे उतरकर सेवादार को संग लेकर सड़क पर चलने लगे। श्री कार भी पीछे पीछे धीरे धीरे आ रही थी। तब हमारे सद्गुरुदेव महाराज जी ने उस बुजुर्ग व्यक्ति को अपने पास बुलाया और उनसे फरमाते हैं कि भगवान का नाम राम राम लेते हो? उसने कहा, जी नहीं, मुझे खेत के काम से छुट्टी ही नहीं मिलती। तब हमारे महाप्रभु ने उस पर कृपा करते हुए फिर से फरमाया कि खेत में काम करते हुए या कोई भी काम करते हो तो भगवान का नाम राम राम जरूर जपा करो। ये श्री वचन श्रवण करते ही उस बुजुर्ग व्यक्ति ने राम नाम का उच्चारण किया और अपने अंदर एक नई स्फूर्ति का अनुभव किया। फिर उसने श्री चरणों में मत्था टेका। तब हमारे सद्गुरुदेव महाराज जी ने कार में से प्रसाद मंगवाकर उसे प्रसाद देते हुए पुनः फरमाया कि चलते फिरते उठते बैठते राम नाम का जाप किया करो। प्रेमियों, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी
स्वयं उस व्यक्ति के लिए लौट कर वापस आए और उसके संस्कारों को जगाया। यही है परमार्थ पथ में महानता और विशालता का एक स्वरूप। इन गुप्त रहस्यों को जीव बुद्धि नहीं समझ सकती। ऐसे ही संत दरिया साहेब जी अपनी वाणी में कथन करते हैं कि मच्छी पंछी साध का दरिया मार्ग नाहीं, अपनी इच्छा से चले हुकुम दनी के माही। वर्णन करते हैं कि जिस प्रकार मछली और पक्षी का कोई निश्चित रास्ता नहीं होता, अर्थात मछली पानी में तैरती हुई चारों दिशाओं में घूम जाती है, पक्षी खुले आकाश में स्वच्छंदा से विचरण करता ही रहता है, उसी प्रकार संत जन भी अपनी दुर्दर्गाही मौत से इस दरा पर विचरण करते ही रहते हैं। स्थान स्थान पर जाकर सोई हुई रूहों को जगाकर उन्हें सत्य का संदेश देते हैं, उन्हें जागरूकता प्रदान करते हैं, सर्व सुखदायिनी सुमंगलकारी भक्ति की दात से माला माल कर देते हैं। जब जब भी जिस जिस स्थान की धरती की पुकार संत महापुरुषों के चरण कमलों में ये विनय करती है कि अपनी पावन चरण रस के स्पर्श से मुझे कृतार्थ कीजिए, तो वहाँ वहाँ संत महापुरुष उस दरा की पुकार को सुनकर वहाँ रहने वाले अपने भक्त प्रेमियों पर भी अपनी अनंत कृपा बरसाते रहते हैं। संत सदगुरु का अपने प्रेमियों के साथ एक अद्भुत और अगम नाता होता है जिसे आम दुनियादार नहीं समझ सकते। ये तो केवल गुरुमुख जन ही जानते हैं जो हर पल अपने मालिक की याद में रहते हैं और मालिक भी उनकी हर प्रकार से संभाल करके उन्हें भक्ति के सच्चे धन से माला माल करते हैं। ऐसे ही हमारे हृदय सम्राट सदगुरु दाता दीन दयाल जी श्री पंचम पाछे गुरु महाराज जी अपनी अनमोल वाणी में वचन फरमाते हैं कि आप गुरुमुख सत्संगी विचारवान हैं, आप संत महापुरुषों की समीपता में उनके सामने सत्संग स्थान पर बैठे हुए हैं, यहाँ कितनी शांति खुशी और सुख का अनुभव कर रहे हैं। किस लिए? कि चित्तवृत्ति एकाग्र है। करोड़ों जन्मों के बाद इंसान की जब पुकार होती है, आंतरिक लालसा जागरूक होती है, तब इसे संत महापुरुषों के मिलन का संयोग प्राप्त होता है। आप अनुमान लगाओ कि कई जन्मों के बाद इंसान को मानुष देही मिलती है, करोड़ों जन्मों के बाद संत महापुरुषों का संयोग बनता है। आप कितनी गिनी चुनी पुण्य आत्माएं हैं, हजारों लाखों करोड़ों में कोई कोई होगा जिनको भाग्य से ऐसा संयोग मिलता है। ऐसे ऊंचे भाग्य, ऐसा दुर्लभ संयोग और ऐसे अनमोल अवसर को पाकर अपने जीवन को खुशहाल बनाओ। फिर सद्गुरुदेव महाराज जी ने पुनः असीम कृपा करते हुए वचन फरमाए कि आप लोग हमेशा खुश प्रसन्न रहें। हम आप सबको दिल से आशीर्वाद देते हैं कि सब भक्ति की ओर आगे से आगे बढ़ते ही जाएं। महापुरुष आप सब पर बड़े प्रसन्न हैं।